प्रदेश में गर्मी और हीटवेव का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कहीं पर मजदूर गर्मी से बीमार होकर जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं तो दूसरी ओर देश के जवान 50 डिग्री तापमान पर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की जनता की रक्षा कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में प्रचंड गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है। तेज लू के थपेड़ों और हीटवेव से आमजन ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी बेहाल नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग जयपुर ने आगामी समय में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने की आशंका जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 5 दिनों तक राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। दिन ही नहीं बल्कि रात के समय भी तापमान में कोई राहत नजर नहीं आ रही। मौसम विभाग जयपुर की जानकारी के अनुसार बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, अलवर, जोधपुर, नागौर सहित अन्य जिलों में भी भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक ऊपर तो वहीं सर्वाधिक तापमान की बात करें तो बाड़मेर में 48 डिग्री दर्ज किया गया है। प्रदेश में तेज गर्मी और हीटवेव के चलते प्रदेश की जनता को राहत के लिए चिकित्सा विभाग ने 24 घंटे नियंत्रण कक्ष खोलने, गर्मी से होने वाली बीमारियों के चलते अस्पतालों में बेड रिजर्व और एम्बुलेंस में एसी की हालत चालू रखने के आदेश दिए हैं। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बताया गया है कि प्रदेश की जनता आपातकालीन समय में टोल फ्री नंबर 108 और 104 पर सूचित कर सकते हैं। प्रदेश में इसी के चलते मनरेगा कार्य में मजदूर कार्य करते हैं उनके लिए चिकित्सा विभाग ने अहम कदम उठाया है। चिकित्सा विभाग ने मनरेगा स्थलों पर मेडिकल किट उपलब्ध करने के आदेश भी दिए। हालांकि 2 दिन पहले की बात करें तो बूंदी जिले में एक महिला मजदूर की मौत हो गई थी, जिसके चलते चिकित्सा विभाग ने अब अहम कदम उठाया है। इसी क्रम में विद्युत विभाग ने भी बिजली कंपनियों और अभियंताओं को निर्देश दिए हैं। विद्युत विभाग ने बिजली कंपनियों के फील्ड अभियंताओं को अधिकारी को राउंड के क्लॉक लगातार अलर्ट रहने के आदेश दिए हैं। आमजन और जनता के द्वारा की गई शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाए, साथ ही तेज गर्मी में बिजली की होती कटौती की थोड़ी राहत भी प्रदान की जाए। दरअसल प्रदेश में 2 दिन बाद नौतपा शुरू होगा। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 2 दिन के बाद प्रदेश में 2 से 3 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। जिन जिलों में तापमान 45 से 46 डिग्री है वह आने वाले दिनों में 47 से 48 डिग्री तक पहुंच सकता है और यह नौतपा 9 जून तक चलेगा। कहा जा सकता है कि हीटवेव का प्रकोप अभी लगातार जारी रहेगा। वहीं चिकित्सा विभाग और मौसम विभाग लगातार जनता से अपील कर रहा है कि अधिक जरूरी समय और अधिक जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले, अन्यथा जो गर्मी और जो हीटवेव है इसकी चपेट में आने से मौसमी बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं, मौसमी बीमारियां झेलनी भी पड़ सकती है। लगातार आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं आपके साथ दीपेंद्र कुमार।